डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता किचन कॉर्नर। तो कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गुआवा की सब्जी। आपने गुआवा का जूस पिया होगा, गुआवा का आइसक्रीम खाया होगा। आजकल ये गुआवा का आइसक्रीम बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। मैंने भी बनाया था वीडियो, आपने नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर जाके वीडियो को सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बहुत ही टेस्टी बना है आइसक्रीम। तो बस आज गुआवा की सब्जी बनाते हैं, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये अमरूद के मैंने टुकड़े कर दिए हैं, तो सबसे पहले हम इस बाउल में टुकड़े निकाल देंगे। आप देख सकते हो अमरूद के टुकड़े हैं छोटे छोटे। बस अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे। सबसे पहले हम गैस चालू कर देंगे। भूल जाती हूँ यहाँ से बंद है मेन रेगुलेटर। किस किस को ऐसी टेव है जल्दी से बताना। अब हम गैस चालू कर देंगे, हो गया। अब हम कढ़ाई रख देंगे। सबसे पहले हम 2 या 3 चम्मच जैसा तेल डालेंगे। मैं बहुत कम तेल डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम हम स्लो रखेंगे। थोड़ी सी राई डालेंगे, थोड़ी सी राई डालेंगे और थोड़ा सा जीरा और इसको तर तर ऐसा होने देंगे। थोड़ी सी हींग डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। बस कुछ नहीं, हो गया हमारा तड़का। अब हम ये अमरूद के टुकड़े डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। इस तरह से थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। फिर से सब्जी को हिला देंगे। बस इसे अब 5-10 मिनट तक हम कुक करने के लिए छोड़ देंगे। हाँ भरी दो बेटा। हाँ ओके। बस अब 10 मिनट तक हम इसे कुक होने देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो अमरूद हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। बस अब हम इसमें मसाला करेंगे। एक चम्मच जितने मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची, ये धनिया पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाला, और साथ में ये थोड़ी सी चीनी। अमरूद वैसे मीठे ही होते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी चीनी डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस अब हमें इसको फिर से ढकना है। अब तो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही पकाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम चेक कर लेंगे। अच्छी तरह से पक रहा है, दिखता है ना? देखो। बस अब हम गैस स्लो बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल देंगे। हमारी ये अमरूद की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। मैंने चख लिया था फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और हाँ, ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स।
ठीक है, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।